अस्सलाम वालेकुम। ये जी हम सफाई करवा रहे हैं आज सीवरेज की टोटली, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंद मचा हुआ था। ये सफाई करवा रहे हैं, बंदे को एक को लगाया हुआ है सारे मिल के। ये देखें, अभी कुछ देर से किया उसने, अभी कुछ और करनी है। आगे आपको दिखाऊंगा, बहुत ज़्यादा गंदी थी जगह। ये देखें, इधर से बहुत ज़्यादा गंद था, अब तो बिल्कुल सफाई हो गई, यानी कि उसने सारा उठा गिरा दिया है। ये मैं डेरे पे आया हूँ इधर जी, ये पीटर ठीक कर रहे हैं, कारीगर आया हुआ है, क्योंकि ये चल नहीं रहा था, पानी लगाना था तो ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था, इसलिए उसे बुलाया। तो ये अब ऑयल वगैरह उसका चेंज करना है, कोई अंदर से काम करवाने वाला है वो करेगा, उसके बाद फिर इंशाल्लाह पानी लगाने के लिए ये रेडी हो जाएगा। मैं जी पहुंच गया हूँ मंडी शॉप पे, और इधर अभी मैं जा रहा हूँ, मैंने हुरैन की बुक्स देनी है बाइंडिंग करवाने के लिए। ये देखें जी, बाइंडिंग वाले भाई बैठे हैं, इन्हें ये इसकी बुक्स दूंगा बाइंड करवाने के लिए, ये बाइंड हो जाएंगी। तो उसके बाद ये ले के वापस हुरैन के पास, हुरैन बहुत खुश थी कि बाइंडिंग करवानी है। सुबह ही सुबह मुझे उठ के उसने सबसे पहले काम ये कहा, सबसे पहले कि मेरी बुक्स बाइंड करवानी है। बुक्स उधर मैं दे के उसके बाद मैं आ गया जो ये हाफिज़ इलेक्ट्रॉनिक्स पे। इधर से मैंने अपने जूसर मशीन का जो जग होता है वो न्यू लेना था, तो ये देखें इनके पास बहुत अच्छी वैरायटी है जी सारी ये चीज़ों की। ये हाफिज़ जुनेद साहब बैठे हैं, ये एक बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, कलाम नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये इनके पास जी फ्रिज की वैरायटी पड़ी है, फ्रीज़र्स की फ्रिज पड़े हैं, दूसरे रेफ्रिजरेटर, ये वॉशिंग मशीन्स पड़ी हैं। फ्रिज इस टाइम बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, क्योंकि हमारी इंपोर्ट सारी बंद होने की वजह से। ये पड़े हैं जी एयर कूलर, गर्मियों की ये सीज़न है, ये भी सारा 12 वोल्ट के एयर कूलर पड़े हैं छोटे। ये पंखे पड़े हैं, ये टोटल सामान जो पड़ा है इधर ऑलमोस्ट इनका ये सारा गर्मियों का ही पड़ा है, क्योंकि अब आगे गर्मियों का सीज़न है तो उसमें ये यूज़ होगी। ये छोटी सी वॉशिंग मशीन आई है जी न्यू, पहले ये यूट्यूब वगैरह पे नज़र आती थी मार्केट में, लेकिन नज़र नहीं आती थी, बहुत कम नज़र आती थी, लेकिन अब ये मार्केट में भी नज़र आ रही है। ये एक दो सूट इसमें साफ़ हो जाते हैं। उससे वापसी भी मैंने ये हुरैन के लिए ज्योमेट्री लेनी थी, ये मैं बुक शॉप पर आया हुआ हूँ, इधर से मुख्तलिफ़ चीज़ें उसके लिए लेनी थी दो चार। ये मैं ज्योमेट्रीज उसके लिए पसंद कर रहा हूँ कि कौन सी लेनी है, क्योंकि वो जब से पास हुई है उसके साथ वादा था कि तुम फर्स्ट पोजीशन अगर लोगे तो मैं ये मैं ज्योमेट्री ले दूँगा। ये क्योंकि आर्टिफिशियल टाइप ज्योमेट्रीज थी, इसमें कोई इतना ज़्यादा ज्योमेट्री की चीज़ नहीं थी। ये जी पड़े हुई हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें, ब्लॉक्स वगैरह, पाउचेज़ वगैरह। ये जी मेरे दोस्त एक आया हुआ था, उसने लेने थे कुछ चीज़ें, उसके साथ मैं आया हूँ के एंड एन एस पे, क्योंकि उसे इसके बारे में मालूमात नहीं थी, इसलिए मेरे साथ ले के आया। मैं अपने अब उसे ये ले के देनी है, और उसके बाद फिर मैंने जाना है एक जगह पे हिजामा लगाने। ये जी के एंड एन एस की शॉप है मंडी में, अभी इनकी एक ही ब्रांच है, बहुत नीट क्लीन और साफ़ सुथरा माहौल है इनके पास। ये देखें एसी इनके चल भी गए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि अंदर फ्रीजर चलते हैं तो उसको ऐसे। ये इनका जी रेट लिस्ट प्राइस लिस्ट लगी हुई है, ये साथ अगर जो लिखा हुआ है रेड में, ये इनके पॉइंट सिस्टम होता है, जो बंदा ख़रीदारी करता है वो पॉइंट्स मिलते हैं, और उस पॉइंट्स पे फिर ये चीज़ें फ्री भी देते हैं। ये मैं पहुंच गया हूँ जी हमज़ा भाई को, हिजामा लगा रहा हूँ कपिंग थेरापी। ये लगाने के बाद इंशाल्लाह, क्योंकि मगरब की अज़ान हो रही है, तो मैंने चले जाना है वापस घर, और बाकी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। और मेरी मज़ीद वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं जी कल इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।